नमस्कार, मैं हूं आदाब खान और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18। वक्त हो चला है इस वक्त के मुख्य समाचार का। गढ़चिरौली मतदान की पूर्व संध्या पर नक्सलियों ने एक विस्फोट किया है और आतंक को जन्म दिया है। केंद्रीय पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। धमाका आलापल्ली तालुका के गट्टा पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। बुधवार को जब ईवीएम मशीन मतदान केंद्र पर जा रही थी तो कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी वोतली के केंद्र में जा रहे थे। इसमें केंद्रीय पुलिस बल का अमित पटेल घायल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है और मतदान कर्मचारी बचाव केंद्र में पहुंच गए। कहा जाता है कि विस्फोटक मतदाताओं के दहशत पैदा करने के लिए किया गया था। गढ़चिरौली से स्टेट न्यूज 18 के लिए राजू बोरा की रिपोर्ट।